इतना गर्मी देवेच दाढ़ी गर्मी पौंदी है, सर्दियां देवेच दाढ़ी सर्दी पौंदी है। सर्दी दे गर्मी दे बचन किते असा अपने मिट्टी दे घर बने ने। ओ मिट्टी दे घर जेड़े गर्मियां दे विच ठड्ढे थींदे न ते सर्दियां दे विच ओ गर्म थींदे न, जे को असा गोपा दे। असा इत्थे जानवर पले ने ते असाडी खुराक लस्सी मक्खन घ्यू ते खीर ते फल फरूट साडे संगरियां खुंभियां पीपू संगर फगूसी ते पीलू दिल है, ये साडे फल फरूट है। असा वड वडेरे कनू इथा रहंदे पे हैं ते रात दे वक्त इथा जरहीले नाग निकल देन जेड़े साडे नाल नाल साडे जनावरां को डंगे देन ते इथा कोई हस्पताल कहनी। कोई बीमार थी वे ता असा इथा ही इलाज करण दी कोशिश करे ने। ज्यादा बीमार होवे ता वल शहर वजना पौंदे, शहर इथों मीलां दा पांदे। इथा पानी दा बहु मसला है, बारिश पौंदी है ते साडे टोभियां दे विच पानी पौंदे। असा ते साडे जनावर पानी कठे पींदे है, पानी विच टिड्डा बहु होजन, पर क्या करूं मजबूरी है। जे तक इन टोभे दे विच पानी है ता साडा घर है, जे वेले इन टोभे तो पानी खत्म थींदे असा दूजे टोभे दी तलाश विच ए जगह को छोड़ देने है, लेकिन रोही नहीं छोड़ेंगे। रसम तो है वज्जा कने। हां आंधी के वाला साई रोही नहीं छोड़ेंगे। साडा ते रोही दा दर्द सांझा है, जिवे रोही तरसी उवे असा रोहेले तरसे। असा एक बेदी रूह है, ई सर्दी धरती ते वला झड़ वससेन, दरिया वहसेन, रौनका वलसेन, इहा आस असा को हेक बे तू जुदा नहीं थी वाणे। असा रोही नाली खुश है ते रोही साडी सकाफत है, रोही साडी वरासत है। वरासत को वारिस नहीं छोड़ेंगे, वरासत को वारिस नहीं छोड़ेंगे, वरासत को वारिस नहीं छोड़ेंगे।